मोदी सरकार में भारतीय सेना को सशक्त किया जा रहा है। समय की मांग के अनुसार देश की तीनों सेनाओं को आवश्यकता अनुसार हथियार और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। हाल ही में वायुसेना के बेड़े में राफेल, अपाचे जैसे एंटी मिसाइल एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है, जबकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले स्पाइस 2000 बम भी बड़ी तादाद में दिया गया है। तो वहीं नौसेना के बेड़े में आईएनएस खंडेरी और थल सेना को अत्याधुनिक राइफलों सहित सुरक्षा हेतु बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस किया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। नापाक पाक हर दिन अपनी नापाक साजिशें रच रहा है, लेकिन सीमा पर भारतीय सेना की मुस्तैदी नापाक पाक के हर मंसूबों को नाकाम कर रहा है। भारतीय थल सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल हुए स्वदेशी तोप धनुष दुश्मनों को तबाह कर देने के लिए काफी है। बुधवार यानी 16 अक्टूबर को सेना के कमांडर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसके अलावा अमेरिका के एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन को भी सेना में शामिल किया गया है। एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन सटीक निशाना साधने और दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। ये बेहद घनी आबादी में भी दुश्मन के लक्ष्य को पूरी सटीकता से 50 किमी से ज्यादा दूरी से निशाना बना सकता है। सेना के फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इसका अधिग्रहण किया गया था। एक्स कैलिबर एम्यूनिशन को M777 होविल्जर तोप और धनुष तोप से भी दागा जा सकेगा। एक्स कैलिबर एम्यूनिशन को अफगानिस्तान में युद्ध के समय बेहद सटीक निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने विकसित किया था।